गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम नाम लिखना चाहिए, हम लोग अप्लाई करेंगे। हाथ का टेस्ट तो ना दुनिया में सबसे डिफरेंट है, तभी तो मैंने इस बंदे को पसंद किया। कैसा तो, बना है, कैसा बना है तो तुम्हें बताना है। सबके लिए उनके हिस्से के निकाल के रख दिए ये माम। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। आज सुबह उठने के बाद हर रोज की तरह नाश्ता बनाने के बाद मेरा एक ही क्वेश्चन था उजैर से, क्या बनाऊँ खाने में। और उजैर ने बोला एक चीज मुझे ऐसे बताई कि ये बना लो, तो मैं सुनकर खुद हिल गई, एक चीज का मिक्सचर बना दिया है उजैर ने। लेकिन अभी उसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बनने के बाद, चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ मैंने बनाया क्या है। उजैर ने बोला था कि साथ कर लो शामी कबाब फ्राई। सबसे पहले अब तो शामी कबाब देख लो, गुड़ियों के चक्कर में ये ही ना जल जाए। और दोबारा फ्राई करने के लिए अब शामी कबाब पीछे फ्रिज में खत्म हो चुके, सिर्फ चार ही बचे हैं जो रात में फ्राई होंगे। अच्छा जी, तो ये रहे शामी कबाब जो मैं फ्राई कर रही हूँ। और दूसरा ये है, प्लेट का पानी चला गया। अच्छा जी, जो मेन चीज है वो है ये, आप लोगों को बैक कर बना के दिखाती हूँ, रुकिए। और वो है ये, मटर और चने की दाल को मिक्स करके उजैर ने बोला चावल बना लो, उसके अंदर जो भी खड़े मसाले डलते हैं वो, और सिर्फ नमक डाल के और साथ शामी कबाब फ्राई कर लो और साथ चटनी बना लो। तो चटनी यहाँ मैंने बना ली है, तो ये बन गया मेरा खाना। अब खुशबू तो इसकी अच्छी आ रही है, टेस्ट आई डोंट नो, वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। उजैर तुम्हारा फरमाइशी खाना बन गया जो तुमने डिमांड किया था, बना दिया मैंने। अब जैसा तुमने सोचा था वैसा ही बना है या फिर मैंने उससे कुछ डिफरेंट किया? अब ये तो खाएंगे तो ही इंशाल्लाह पता लगेगा। ये मिक्सचर तुमने कहाँ से सोचा, मटर और चने की दाल वाले चावल का? यार मैं ऐसे दिल कर रहा था, लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ मैं भी यही बोली, खुशबू अच्छी आ रही है। अभी इसको खाएंगे तो कोई बात नहीं बेटा, मिर्ची निकाल दो, पता लगेगा कि ये कैसा बना है। थैंक यू, दिखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आ वाह, मेरा थैंक यू भी वापस करो, चलो थैंक यू वापस नहीं होगा। खा के बताओ कैसा बना है। हाँ खा के बताओ कैसा बना है। अब थैंक यू अगेन, वेलकम। सबसे पहले पूछते हैं कि खाना कैसा बना था। खाना कैसा बना था बेटी, तेज बोलिए ना, आवाज नहीं जाती है वीडियो, बिल्कुल तेज बोलिए। अच्छा, तो चलो अब रानी से पूछते हैं कि खाना कैसा बना है। कैसा बना है रानी, कैसा बना है तो तुम्हें बताना चाहिए। खाना बहुत अच्छा बना है भाई, मैंने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाने की कभी बुराई करूं, लेकिन रेसिपी मैंने दी थी तुमको। यार तुमने सिर्फ आइडिया दिया था, रेसिपी भी मेरी थी। चलो अच्छा बना है खाना, गुड। फातिमा आप बताइए बेटे कैसे बना है। अच्छा बना है, वेरी गुड। खाना वाना तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रहा है, चूंकि आप लोगों को पता है रमजान करीब, तो जब रमजान करीब आता है तो रमजान की सफाइयाँ, ईद की सफाइयाँ जरूर होती हैं। तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट करती हूँ। तो उजैर तुम यहाँ से बाहर जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। अच्छा, आज मैंने सोचा है कि ये वाला जो अपना पीछे पूरा ड्रेसिंग है इसको क्लीन कर लूंगी, इसके सारे ड्रॉर्स बाहर से नहीं, इसके सारे ड्रॉर्स जैसे करके इसके अंदर सारा मेरा कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, मेरी ज्वेलरी, मेरा कॉस्मेटिक सब कुछ इसी में रखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग को दिखाती हूँ ये वाला ड्रॉअर जिसके अंदर रखी हुई मेरी चूड़ियाँ और इनका क्या हाल हो चुका है। मुझे चूड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ टाइम से मैंने पहनना छोड़ी हुई है, तो ये सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें से जो मुझे छोटी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, वो अलग करती हूँ और सबको सेट करके रखती हूँ। चूड़ी के बॉक्स मैंने मंगवाए थे अभी फवाद को भेज कर, तो चूड़ी के बॉक्स आ गए हैं, फातिमा लेकर आ रही हैं। लाइए दिए मामा को दिए बेटा, पीछा भी आ गया, ओके पीछा भी दे दो, चूड़ी के बॉक्स भी दे दो, जल्दी से दे दो, रिश्ते दो बेटा, फिर आपको मामा फ्रेश करेंगे। आपके हेयर्स कैसे हो ले मिले बाबा के, सारा पूरा हेयर्स फैला लिया मेरे बेटे ने, ला रख दो। वाह भाई ये बोले ख़राब हो गए थे सारे, तो फिर मैंने न्यू मंगवाया है ताकि सारी चूड़ीज उसमें रख सकूँ मैं। अभी फ़िलहाल इतनी देर में मैंने सिर्फ गोल्डन और वाइट चूड़ी अलग की है, और ये बाकी कलरफुल चूड़ी अलग करना बाकी है। बिफोर और आफ्टर में फ़र्क देखिए, ये है बाद कल भित्ती से बस चूड़ी निकली है, बाकी ये सब जो है कचरा निकला है, क्योंकि ज़्यादातर चूड़ी या तो ये ऐसे ब्लैक हो गई है या तो फिर ज़्यादातर का कलर उतर गया है, जैसे कि ये कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है चूड़ी का, तो ये सब अलग कर दिए गए। सिर्फ मेटल पहनती हूँ, कांच नहीं पहनती हूँ। और इसमें कुछ कड़े हैं जो बिल्कुल सही हैं, तो वो मैंने एक अलग कर दिए हैं, इसका एक अलग मैंने सेट बना दिया ताकि ये ब्लैक नहीं हो। बॉक्स बंद कर दिया, तो फाइनली ये डन हो गया। जिस दिन हम लोग मूवी देख रहे थे उस दिन सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई थी जो सबको देना भूल गई थी, तभी मैंने यहाँ पे सबके लिए उनके हिस्से के निकाल के रख दिए। ये मामा, ये अलिजवा की है और ये मामा की है, इन दोनों का बस अलग है, बाकी सबके लिए मैंने दोनों दोनों फ्लेवर निकाल दिए। अभी जल्दी से जाके नीचे देती हूँ उससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए। The next day. Welcome back guys. तो अभी आज का नया दिन शुरू हो गया है, और अभी फातिमा ने मुझे क्या दिया है,
और फातिमा कह रही है क्या? और क्या बेटा? हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी फातिमा विश कर रही है भाई, बाबा को फातिमा विश कर रही है। तो भाई अभी जो है हम लोगों ने खाना बनाना है और इसके अलावा आज एक और काम करना है, एक्वेरियम साफ करना है क्योंकि मछलियाँ बहुत गंदी हो रही हैं, उनको नहलाना है। जैसे आज फातिमा नहाई है वैसे ही आज एक्वेरियम भी हम लोग साफ करेंगे और फिश को नहलाएंगे। ठीक है? नहीं नहीं मर जाते हैं, फिश नहाने से मर जाती है, फिश को ठंड लगती है, फिश को ठंड लगती है इसलिए फिश नहीं नहाएगी। वो फिश है, फातिमा नहीं है। और रानी बैठ के हंस रही है और प्याज काट रही है खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए प्याज बना रही है रानी। ओ प्याज प्याज काट रही है खाना बनाने के लिए। उल्टा हो गया। तो चलते हैं फिर, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फातिमा को मैंने पोमी खोल के दे दिया है, फातिमा पोमी कहती हैं इसको। बाबा को खिलाई बेटा, बाबा को बाबा को खिला दीजिए। और अभी एक्वेरियम की ये हालात हो गए हैं, एक महीने पहले साफ किया था, समझ लें हर महीने इसको साफ करना पड़ता है। तो अभी इसको क्लीन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये गंदा बहुत हो गया, पानी मछलियों ने गंदा बहुत कर दिया इसको। देखें अभी मछलियाँ भी बहुत उदास सी हैं, सुस्त लग रही हैं। अभी पानी चेंज होने के बाद ये खेलेंगी फिर और एनर्जेटिक हो जाएंगी। तो चलते हैं जल्दी से चेंज करते हैं पानी को। और अभी एक्वेरियम मैंने साफ कर लिया है और अब देखें फिश कितनी हैप्पी हो गई हैं सारी, और ये अब इंजॉय कर रही हैं। अभी थोड़ी देर में जो थोड़ा बहुत पानी गंदा है वो साफ हो जाएगा इंशाल्लाह और ये इंजॉय करेंगी। अच्छा मैंने पत्थर हटा दिए सारे, क्योंकि पत्थर की वजह से इसमें एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी और फंगस लग रहा था, इस वजह से मछलियाँ कमज़ोर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने वो हटा दिया। अब ये ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। नेक्स्ट डे से अपनी वीडियो का स्टार्ट ले रही हूँ। अभी मैं बाहर आई थी छत में, क्योंकि यहाँ पे रोशनी अच्छी आ रही थी, अंदर थोड़ा अंधेरा अंधेरा, और मैंने कहा यहीं से वीडियो बना लेती हूँ। वैसे उस दैर तो वीडियो का स्टार्ट ले चुके हैं, लेकिन मैं अभी ले रही हूँ। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, और आज ना एक बहुत अरसे के बाद, बहुत वाकई ही बहुत अरसे के बाद हम लोग बना रहे हैं क्या? OFC बताओ। मैं बना रहा हूँ आज बीफ बिरयानी। और कितने दिनों बाद बन रहा है? 10 से 15 दिनों बाद। और हम लोगों का ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम नाम लिखना चाहिए, हम लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब से हम लोगों ने बिरयानी सही वाली बनाना सीखी है, तब से हमारे घर में हफ्ते में 2 दफा तो कम अज कम बिरयानी बनी जाती है। ऐसा ही है। और पहली बार ऐसा हुआ कि 10-20 दिन लॉन्ग टाइम हमारे घर में बिरयानी बनी है। आज तो बिरयानी का अलग ही टेस्ट आएगा, आज मजा आने वाला है। तो आज इसीलिए मैं किचन में आ गया हूँ बनाने के लिए, ताकि अच्छी बिरयानी बने। ऐसे लास्ट 3 ईयर से बिरयानी तुम ही बना रहे हो, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बिरयानी कभी कभी बना लूं। उज़ैर बिजी होता है तो, वरना उसका भी मसाला उज़ैर रेडी कर देते हैं, तह में लगा देती हूँ ऐसे ही, वरना तो बिरयानी उज़ैर ही बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। OFC बिरयानी बनने वाली है, कितना टाइम लगेगा बिरयानी में? बस बिरयानी तो नहीं बना रहा हूँ आज, आज मैं बना रहा हूँ भिंडी। यार आज बना रहे हैं हम लोग भिंडी और दाल चावल। ये फातिमा के जज्बात के साथ खेल रहे हो उज़ैर, तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। अच्छा उज़ैर, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोग जैसी बिरयानी हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले नहीं बना पाते। मैंने बहुत से कमेंट्स रीड किए हैं, वो लोग बोल रहे कोई तो टिप बताइए आप लोग जैसी बिरयानी बनाने की, तो बताओ तुम कोई टिप। अगर आपको हमारे हाथ की बिरयानी खानी है तो आप लोगों के लिए एक ऑफर। अच्छा आप लोग हमसे बिरयानी खरीद सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी आप लोग कॉस्टली पड़ेगी। यार खरीद सकते हैं, ₹1,000 की एक प्लेट बिरयानी, और वो बिरयानी आपको हम डिलीवर करवाएंगे। अगर आप हमारे हाथ की बिरयानी खाना चाहते हैं तो ₹1,000 की एक प्लेट बिरयानी आपको हम पहुंचाएंगे आपके घर। अगर चाहिए तो मैसेज कर दें। यार सर ये छोड़ो, टिप बताओ। टिप कुछ भी नहीं है, बस ये सारी रेसिपी तो शेयर की हुई है हम लोगों ने, रेसिपी शेयर की हुई है, पुरानी वीडियोस देख लें, बाकी हर किसी के हाथ का अलग टेस्ट होता है। और हमारे उज़ैर के हाथ दिखाओ, और हाथ दिखाओ, हाथ इसके हाथ का टेस्ट तो ना दुनिया में सबसे डिफरेंट है, तभी तो मैंने इस बंदे को पसंद किया है। फातिमा आप क्या खाओगी बेटा?
बाबा तो भिंडी बना रहे हैं, भिंडी खाओगे? नहीं बेटा, भिंडी बन रहा है ना, कल बिरयानी बना देंगे आपको, ठीक है? ठीक है मेरी जान, कल बिरयानी बना देंगे, कल बिरयानी बना देंगे ना बेटा। नीचे सला दूं बिरयानी? नीचे तो बिरयानी बनी ही नहीं है, नीचे भी भिंडी बनी है बेटा। जहर ये देखो बन गई है भाई, दिखा रहा हूँ बिरयानी की पहली। उसका उसका रिएक्शन देखो, उसका रिएक्शन देखो, उसकी खुशी है। उसको उसको अब तक हम लोगों ने धोखे में रखा हुआ था कि भिंडी बन रही है। अभी तो आपने बोला था भिंडी बनी है, स्पेशल बिरयानी बनी है, जान के लिए बनाया है ना। अब बस बिरयानी हम लोग की रेडी है, वो जहर दम लगा रहे हैं। और ये देख लीजिए करीब से, करीब से दिखाओ, माशाल्लाह, और करीब से दिखाओ, और करीब से ये लीजिए, और करीब से दिखा दिया। चलो अब रुको, ट्रांजिशन करते हैं हम लोग के खाने के टेबल पर। तो जी हो गई ट्रांजिशन, हम लोग का खाना लग गया है, ये आ गई हम लोग की बिरयानी। और सबसे ज्यादा आज फातिमा को भूख लगी है, और सबसे पहले मिल भी आज फातिमा को ही रही है। फातिमा ने बोला कि मामा मुझे सबसे पहले बिरयानी चाहिए। और आज एक यूनिक चीज है, वो है ये रायता जो मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाया है, वो भी फलक के मसाले से। बिरयानी, गरम गरम बिरयानी। हम लोग का खाना वाना तो हो गया, बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी। उज़ैर तुम क्या डायलॉग बोलते हो? मुबशर पुत्र मजा ही आ गया। हाँ मुबशर पुत्र मजा ही आ गया। तो मतलब भाई बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, और हमारी फिश आज बहुत ज्यादा हैप्पी है बेटा। दिखाइए भाई, मैं आपको खोल के दे रही हूँ, गिरा दोगे आप। कि उनकी ना ईद हो गई है पूरा साफ होने से, उनका एक्वेरियम। अभी फातिमा अपनी फिश को जल्दी से दाना डालेगी, डाल दीजिए जल्दी से। वाओ, फातिमा ने फिश का दाना डाल दिया। अब फिश अपना खाना खा लेंगी, जब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं वो नहीं खाएंगी। आह शुक्र 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 खा ली। तो भाई उम्मीद है आप लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब मिलूंगी कल एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।